ये वो जो है ना सुनील शेट्टी, वो मेरे साथ दौड़ा था। अच्छा जी, तो सुनील शेट्टी देखो ये रहा, ये खड़ा हो, घी खूब खावे था, हाँ। चार चार किलो दूध पी जावे था। अच्छा, वाह जी वाह जी वाह। पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसी महान विभूति से मेरे मुझे आज दर्शन हुए। एक मैं जड़ी बूटियों का हाँ। चटनी बना के खाता हूँ। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज हमारे साथ कौन है आप जानकर हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ हमारे जो बाबूजी हैं ये 125 साल के हैं। जी हाँ, ये गुजर योद्धा 125 साल का रनर है। आज भी ये दौड़ता है, मैराथन्स में भाग लेता है। भारत का शायद एकमात्र ऐसा हीरा जिसके बारे में दीन दुनिया को बहुत कम पता है। आज जानेंगे हर पूरी जानकारी। जी राम राम, हमारे दर्शकों की तरफ से प्रणाम स्वीकार करें हमारा। मैं आपका स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद। मेरा नाम धर्मपाल सिंह गुर्जर गुढ़ा, गुढ़ा गांव जी। मेरा डाकखाना मवाना, जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया जी। बाबा जी, कौन से साल का जन्म है आपका, सन में? मेरा 6 अक्टूबर 1897। 6 अक्टूबर 1897 के जन्मे हैं हमारे बाबूजी। और बाबूजी तो आप तो कितने साल के हो चुके, 125 के हो लिए? अब 6 अक्टूबर को 126 का ही हो जाऊंगा। 126 के हो जाएंगे जी। बाबूजी ना नज़र में चश्मा ना कुछ, पूरा सही सुनता, पूरा बोलते हैं, कमाल है। इस उम्र में तो दो बार टिकट कट लेती है। और टिकट तो बहुत बार कटने को हो गया। अच्छा, लेकिन प्रकृति पता नहीं क्या चाहती है। अंग्रेजों के समय भी जवान थे आप तो? हाँ, मैं तो अंग्रेजों के समय जब देश आजाद हुआ उस वक्त मैं 50 साल का था। ओहो, पूरा दिखता है बाबू जी? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आंखों में? ना आंखों में कोई दिक्कत नहीं, 100 मीटर तक का तो मुझे साफ दिखता है। जी पूरा सुनता है? एक कान से मुझे ये जो डीजे बजता है, हाँ, एक कान से मुझे इसलिए सुनाई कम होने लगी, हाँ, वरना सुनाई ठीक आ रही है। आ रही है। आप कितनी रनिंग भी करते हैं और कितनी रनिंग भी करी हुई है? देखो जी, रनिंग का तो मैं ये नहीं कह सकता कितनी करी है। हाँ जी, लेकिन मैंने सैकड़ों से ज़्यादा मैराथन दौड़ी है। ओह, और कंपटीशन की 100, 200, 400, हाँ, बहुत सारी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और मैं विदेश में भी जो गया हूँ, हाँ जी, वहाँ भी मैं कंपटीशन की 200 मीटर की दौड़ को, अच्छा, गोल्ड मेडल लेकर के भारत आया हूँ। अरे वाह। और भारत माता की गोद में, हाँ जी, वो मेडल डालने हैं। हाँ, वाह वाह वाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 मेरे लड़के हैं, 4 मेरी लड़कियां हैं। बड़े साल का, सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है लड़का? अब मेरी शादी 1947 में हुई। 47 में? और 49 में मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, शादी बाबू जी लेट हुई है? शादी बाबू जी लेट हुई आपकी? लेडी तो, अरे लेट हुई, देर से हुई? मतलब देर से इसलिए हुई, हाँ, जब 47 में आप 50 साल के थे। हाँ, जब हमारा संघर्ष ही अंग्रेजों से चल रहा था, हाँ, खास तौर से गुजरों का, हाँ, और मुसलमानों का। अच्छा, ये संघर्ष अंग्रेजों से चल रहा था, हम लोग अपने मकानों में भी नहीं रह सके थे। अच्छा, हम गायों को चुगा करके खतों पर रहते थे। अच्छा, और वही अपना दूध पिया, और अंग्रेजों की पहुंच से हम बहुत दूर रहे। अच्छा, जब देश आजाद हो गया, हाँ, जिस दिन देश आजाद हुआ, झंडा भी हमने 12 बजे रात को, हाँ जी, हमारे गांव में एक बड़ा नीम कहलाता था। अच्छा, उस बड़े नीम पे रात को 12 बजे झंडा बांधा। अच्छा, हाँ, भगवान साय नाम का एक आदमी था, हाँ जी, उसको ऊपर चढ़ाया, मैं झंडा लेकर के गया और झंडा बांधा, और ये कहा कि अब अंग्रेज देश से बाहर जा रहे, अब शादी ब्याह करेंगे। हाँ, उसके बाद बाबूजी ने 50 साल की उम्र में शादी की, और कई बच्चे हुए भगवान की दुआ से? 4-3 लड़के और 4 लड़कियां। बाबूजी पर तो देखिए भगवान की मेहर है, एंटी एजिंग की कोई विशेष डोज भगवान ने देकर भेजी। 50 साल की उम्र में शादी और फिर 7 बच्चे। हाँ, 7 बच्चे। और ये बाबूजी जो आपके बेटे हैं, ये सबसे छोटे हैं, बड़े हैं, कौन से हैं? ये बड़ा है साहब, सबसे बड़े हैं। हाँ, 1949 में, हाँ, 1949 में इसका जन्म हुआ। लो जी, हमारे जो बाबूजी भी हैं, ये इनके सबसे बड़े बेटे हैं, 1949 में इनका जन्म हुआ। तो ये देख लीजिए जी,
कितने साल के ये खुद हो गए। वाह जी वाह जी वाह। पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसी महान विभूति से मेरे मुझे आज दर्शन हुए। मेरे घर में सारी जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, हाँ जी, वो सब मेरे घर में हैं। हाँ। मैं इन जड़ी बूटियों के ही सहारे जिंदा हूँ। जिंदा हो? हाँ, मैं ये समझ लो, बेल पत्थर है, हाँ, अमरूद है, हाँ जी, जामुन है, ओहो, पीपल है, अच्छा, नीम है, हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं। प्राकृतिक औषधियां लगा रखी है जी। हाँ, ये जो है ये चंदन का पेड़ है। अच्छा, चंदन का? ये बाबू जी ने चंदन का पेड़ भी लगा रखा है जी घर में। हाँ, ये बच्चा हमारा, हाँ, उससे लाया था बेंगलोर से। अच्छा जी, ओहो, और ये पेड़ वो है, हाँ जी, जो मोदी जी कहीं बाहर से लाए हैं। ये आ, क्या नाम है जिस पेड़ का? इसका नाम मेरे याद नहीं, तो है नहीं। भाई वाह 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 जी, कोई पेड़ नहीं छोड़ा जो बढ़िया ना हो। और बाबू जी गाय भैंस भी बहुत है। ओह, ये सारी देसी गाय का ही दूध पीता हूँ। देख लो जी, देसी गाय के दूध का कमाल। बाबू जी की भैंस गाय देख लो, यहाँ से बंधी हुई है बहुत सारी। वाह जी वाह, आप देसी गाय का दूध पीते हैं बचपन से? तो ए टू दूध पिया है देसी, शायद उसका नतीजा बाबू जी का पूरा दिखता है। अब जवानी में कितना दूध भी घी भी खाते थे? अरे मैं तो घी खूब खावे था, चार चार किलो दूध पी जावे था। अच्छा, और देसी खुराक? हाँ देसी। हाँ जी, और भाई गायों के पीछे दौड़ तो इतनी प्रैक्टिस मुझे हो गई थी। हाँ जी, और भाई हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं था उस समय, वरना हम तो हो सकता था, हाँ जी, कि उस समय, हाँ, मिल्खा सिंह बनते। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुझे लगता है। गाँव का टैलेंट देखिए दोस्तों, ये हमारे 125 साल के बाबूजी हैं, बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अपने जमाने के क्षेत्र के मशहूर दौड़ाक हैं, गांव गुआंड में दूर दूर तक नाम है इनका। लेकिन कोई रास्ता, कोई गाइडेंस न मिलने के कारण ये हीरा वो चमक नहीं बिखेर पाया जो दुनिया इसकी चमक को जान पाती। भाव जी, आज भी कैसे सादा जीवन जीते हैं? आज भी कै बजे उठते हैं सुबह? बस मैं तो सवेरा उठता हूँ और टहलने चला जाता हूँ। अच्छा, मेरी सड़क थोड़ी टूटी हुई है, इसलिए मैं कुछ देर से जाता हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था, हाँ जी, कि अपने जिलाधिकारी से कैसे, हाँ, उसके गड्ढे मुंदवा दूं। ठीक बात है, ताकि मुझे आने जाने में दिक्कत ना रहे। शासन प्रशासन के कोई लोग देख रहे हो तो ये बाबू जी की रिक्वेस्ट आप तक पहुंचे, हमारी भी पहुंचे। इनके गड्ढे हम भी आए, बहुत बुरे हालत में हैं सड़कें। ये अभी भी जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन रास्ते ना होने के कारण वे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो प्रशासन भी कृपया करके इस तरफ ध्यान दे, बाबू जी के गाँव के रास्ते ठीक करवाए जाए। बाबू जी अभी भी अगर आप दौड़ें तो कितना कई किलोमीटर दौड़ लेंगे? अब भी मैं यदि मुझे कोई 100-200 मीटर तो मैं अब भी दौड़ जाऊंगा। अब भी दौड़ जाएंगे? हाँ। अब क्या भोजन रहता है आपका? बस मेरा सादा खाना, दाल रोटी का। हाँ। और अब तो मैं चावल भी खाने लगा। अच्छा, पहले मैं चाय नहीं पिए करा, चाय भी पीने लगा। अच्छा, चाय इसलिए पीने लगा, हाँ, कि चूँकि अब समाज में दूध की कमी पड़ने लगी, कहीं बाहर आए जाए तो चाय मिलती। अब मैं कहूँ भाई चाय नहीं पीता तो कहेंगे दूध लाओ भाई, हाँ, ना हुआ किसी का दूध। बाबू जी शाकाहारी रहे हैं जीवन भर के? मांसाहारी? हाँ, मैं तो शाकाहारी रहे हमेशा। ये देख लीजिए शाकाहार की शक्ति, शाकाहार की लॉन्गेविटी, जिसके कारण बाबू जी आज भी चैंपियन है हमारे। पूरा नाम है धर्मपाल गुज्जर हमारे बाबू जी का, गांव गुढ़ा, जिला मेरठ, मवाना तहसील पड़ती है। हाँ, मुझे जी? हाँ जी, लोग वो की पहचान ये है, कहीं बूझता भी है दूसरे प्रदेश में, भाई कहाँ के रहने वाले हो? के गुढ़ा। गुड़ा? अच्छा। क्या वो गुड़ा? धर्मपाल वाला गुड़ा? धर्मपाल वाला गुड़ा। पोते पड़पोते हो रहे होंगे? हाँ, देवते पट्टे उनके भी, उनके भी ब्याह हो रहे होंगे, पड़पोतों के भी ब्याह हो रहे होंगे। हो रहे, ऐसा है, हाँ, हम शादी देर से करते हैं। देर से, क्योंकि खुद भी आपकी देर से हुई है। हाँ। अच्छा। और मैं तो यही मैंने कहा था, हाँ जी, कि शादी की उम्र बढ़ाओ। अच्छा, ताकि बच्चे कम हो, दो बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए? हाँ। हमें को अपने अचीवमेंट दिखाइए, जो जो सम्मान आपने प्राप्त करे हैं। ओ लो जी, एक क्विंटल और ये एक धड़ी तो वजन है जी। ये मलेशिया का जी। लो बाबू जी के साथ में दिखाइए मुझे, ये देखिए मलेशिया लिखा भी हुआ है। वाह जी वाह 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 वाह, बाबू जी ने मलेशिया ये लिखा है। 28th मलेशियन इंटरनेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2014। वाह जी वाह, बाबू जी के जी एक धड़ी के मेडल हैं,
जो बाबू जी ने यहाँ आज भी अपने पास संभाल के रखे हैं। ये मलेशिया के सम्राट ने सुल्तान ने दिया था, मलेशिया के सुल्तान ने हमारे बाबू जी को ये गिफ्ट दिया था। इसको अलग हटा लो इसको। ओहो, देखिए जी, वाह जी वाह, मलेशिया 28th मलेशिया इंटरनेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2014 सुविनियर, वाह जी वाह। ये DGP ने मुझे अवार्ड दे के सम्मानित किया था। अच्छा। उत्तर प्रदेश के DGP ने। वाह वाह, जो पुलिस का राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो DGP होता है। ये मेरा आधार कार्ड है। ये आधार कार्ड मैं दिखाऊं, इस पे उम्र देखिए। सच में एक बार दिखाइए जी। धर्मपाल सिंह, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ 6/10/1897। आज तक की मेरी किसी भी बुजुर्ग से, जीवित बुजुर्ग से, ये ऐसी मुलाकात है जिसमें डेट ऑफ बर्थ 1900 से पहले की। वाह वाह, ये मेरा पैन कार्ड है। आपका पैन कार्ड है बाबू जी, इस पर भी डेट ऑफ बर्थ वही है 6/10/1897। ये लो जी, ये मेरा पासपोर्ट है। अच्छा बाबू जी, हमारे बाबू जी विदेश भी जब जाते हैं तो ये हमारे बाबू जी का पासपोर्ट है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। अरे रिकॉर्ड तो साले जाने कितने भरे पड़े हैं, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, कहाँ गए थे? इधर उधर। हाँ, बहुत ध्यान नहीं रखा, संभाल नहीं रखी। मतलब संभाल नहीं रखा, कोई छोटा मोटा है, मैं वजन की वजह से भी कहीं नहीं ले जाता। अच्छा, ये मेरे देख लो आप लोग। अरे वाह बाबू जी के, ये वो हैं जी जो प्रशस्ति पत्र जिनको बोलते हैं, यहाँ से गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के द्वारा प्रशस्ति पत्र ये इतने हैं जी कि शायद ये देखिए 31st यूपी मास्टर्स एथलेटिक मीट 2022। बाबू जी यहाँ तो आप सब जगह गए हैं। हाँ। तो रनिंग भी करी है कुछ? हाँ मैंने, हाँ रनिंग भी, रनिंग भी अब तक कर रहे हैं। हाँ अभी भी। और ये वहाँ का मलेशिया का होगा, मलेशिया का ही है जो बाबू जी को सम्मानित किया गया था वहाँ की मैराथन में। 125 साल के जीवित योद्धा से आप मिल रहे हैं, उनको देख रहे हैं, सच में अपनी आंखों पर, किस्मत पर यकीन नहीं होता कि ऐसे हीरे कोहिनूर भी हमारे देश में आज भी हैं। और ये मैं पढ़ने लगूँ, ये सब देखने लगूँ तो ये लिमिट बहुत, ये इतनी है कि शाम ही इसी में हो जाएगी। बाबू जी को इतने इनाम, प्रशस्ति पत्र, समाज के हर वर्ग से, हर तरह के लोगों ने खेलों के द्वारा जो बाबू जी ने अर्जित किए हैं। ये मलेशिया का सर्टिफिकेट, ये मलेशिया का है बाबू जी, 2014 में 1 जून के डेट है। ये वहाँ के द्वारा, वहाँ के सुल्तान के द्वारा बाबू जी को सम्मानित किया गया था। रनिंग करते हैं तो वजन हमेशा कम ही रखा आपने अपना? मेरा तो वजन 50-60 किलो से ज्यादा कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं रहा। हाँ। जवानी में भी ना। अच्छा हाँ जी। ये मेरी क्या है, वो है जन्मपत्री है, क्या है, जन्म, हाँ जन्मपत्री है। ये देखिए जी बाबू जी की, जो पिताजी ने, माताजी ने उस समय बनवाई थी 1897 में, तब की जन्मपत्री आज भी रखी हुई है जी, ये उसकी फोटो कॉपी है। अच्छा, ये जब मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि साहब मेरी उम्र इतनी, लोग जाँचते नहीं है, आप मेरा वैज्ञानिक परीक्षण करा दें। अच्छा, तो फिर कलेक्टर साहब ने मुझे CMO के यहाँ भेज दिया। हाँ। और CMO ने मेरी ये, हाँ, ये मेरी वो निकाली, इसमें ये 100+ देखो, ये रहा, ये लिखा हुआ है जी यहाँ पर 100+, और ये है 2014 की। हाँ, ये देख सकते हैं आप, तो 2014 में भी 100+ गवर्नमेंट के द्वारा, CMO के द्वारा, सरकारी जो डॉक्टरी विभाग है उनके द्वारा बाबू जी को 100+ घोषित किया गया था 2014 में भी। वो इस समय 125 साल के ये हो चुके हैं और एक दो महीने बाद ये 126 साल के हो जाएंगे। वाह जी वाह, बहुत सारे बाबू जी को जो बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स में जगह मिली, कटिंग्स में, उन चीज़ों की जानकारी है। ये प्रशस्ति पत्र है। हाँ जी, ये प्रशस्ति पत्र है। हाँ हाँ, और ये मैं एग्रीकल्चर में भी मेरा प्रथम स्थान रहा। अच्छा, देखो एग्रीकल्चर में मुझे 5,000 का इनाम मिला। लो जी लो जी। हाँ, ये देखिए जी, मुझे बूढ़ा मत कहना। वाह जी वाह वाह, क्योंकि मेरी उम्र 113 साल है और दौड़ने पर भी मेरा दम नहीं छूटता, और ये 10 साल पुरानी कटिंग है। वाह जी वाह। ये वो जो है ना सुनील शेट्टी, वो मेरे साथ दौड़ा था। अच्छा जी, तो सुनील शेट्टी देखो ये रहा, ये रहा, ये खड़ा बाबू जी के पास, ये मेरा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको, ये आपके इसके नज़दीक आएगा, ये देख सकते हैं आप।
कहने का मतलब है इतने प्रशस्ति पत्र, इतने सम्मान हैं मिले हुए हैं कि कई घंटे तो इनको पढ़ने में देखने में ही निकल जाएंगे, क्योंकि बाबू जी का जीवन कोई छोटा नहीं है। अब ये मुझे बुलाते भी हैं, साल सुनो इन्हें हो चुके हैं। हाँ जी, ये मुझे बुलाते भी हैं लेकिन मुझे सम्मान जैसे ये है। हाँ जी, ये मुझे ये दिया मुझे, ये रहा जो में दिया है। हाँ, जो मुझे वहाँ बुलाया था उसमें क्या नाम सम्मान में, जैसे स्वतंत्रता दिवस पे या 26 जनवरी को कोई ना कोई पैसे पे मुझे बुलाया था। सूचना दे के। हाँ, ये कमिश्नर ने भी मुझे ये लिखा था। बिल्कुल ये लग रहा है, देख सकते हैं आप। 2013 की आप भी, आप मोदी के फैन हैं जी, मोदी लाभ देश बचाओ। हाँ मैंने हैं जी, अरे ये मैंने बहुत पहले कहा था। अच्छा, और तमिलनाडु में मैंने ये कहा था। हाँ जी, कि जिस दिन मोदी 2012 में कि जिस दिन मोदी तमिलनाडु में आवेगा उस दिन जिस फील्ड में आवेगा जगह नहीं मिलने की। अच्छा जी, जबकि मोदी जब तक कुछ भी नहीं था, उसका वर्ष है मतलब गुजरात से दिल्ली आया ही आया है। तो मोदी जी देख लीजिए, अगर आप तक भी ये बात पहुँचे, वर्ल्ड के सबसे बड़े बुजुर्गों में से एक, शायद मुझे तो नहीं लगता इतने वर्ल्ड में इस समय इनसे भी बड़े बुजुर्ग कोई होंगे, वे आपको 2012 से चाह रहे थे कि आप आएं और आप देश में अपनी ध्वजा परचम लहराएं। ये तो हमने चलते फिरते देख लिए, अगर इनको डिटेल में अगर मैं आपको पढ़ाने लगूँ तो शायद कई घंटे तो इसमें ही निकल जाएंगे। एक में जड़ी बूटियों का चटनी बना के खाता हूँ। अच्छा ये बाबू जी, आज किसी खाने पीने की चीज में परहेज भी करते हो अभी? मैं बस मैं हुक्का बीड़ी, सिगरेट सुल्फा, शराब, पान गुटखा और चाय और पेप्सी और तलाबिया, अच्छा इनसे परहेज करता हूँ सदा से ही, शुरू से तो ही। हाँ, पहले से ही। बीमारी तो नहीं किसी प्रकार की? ना, मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है, स्वस्थ है आज। तो बाबू जी, भगवान ने चाहा तो आप तो महाभारत की भूमि से हैं और पांडवों की भूमि से, तो आप तो भीष्म की तरह हो सकता है 500 साल तो जरूर जिएंगे। भैया मैं भीष्म तो कह नहीं हो सकता, लेकिन मैं भीष्म की का उत्प्रेरक के रूप में काम करता हूँ। बाबू जी आज भी धोती पहनते हैं, सादा इनका जीवन है, उच्च विचार, सादा पहनावा, सादा खाना, शाकाहारी खाना, आज भी हर बीमारी से दूर है, फिट है और साबुन से कभी नहाया नहीं। अच्छा? मेरे बाल पूरे के पूरे बने हुए हैं, आपने देखे? बिल्कुल है, एक भी नहीं कहीं से नहीं उड़े हुए, कमाल है जी बाबूजी, बिल्कुल सारे सफेद है। साबुन शैम्पू इस्तेमाल नहीं करा? ना। और बाबूजी किस चीज से नहाते हैं? बस मैं तो ये जो रीठा है कभी कभी रीठा इस्तेमाल कर लेता हूँ। रीठा इस्तेमाल कर लेते हैं हफ्ते में एक बार दो बार? कभी कभी जिससे चिकनाई हट जाए। हाँ जी। और दोस्तों कुछ बाल तो दाढ़ी मूछों के अब भी काले हैं। गैस का खाना खाते हैं चूल्हे का? चूल्हे का खाता हूं। रोटी जो चूल्हे की खाते हैं? गैस की नहीं? ना गैस की नहीं खाते, यही वजह है, ये भी वजह हो सकती है। देखिए वो बाबू जी का चूल्हा है, वहाँ चूल्हा गोसे रखे हैं, गैस की पसंद नहीं है ना, स्वाद नहीं लगता गैस की। भाई मजबूरी में कहीं चला जाऊँ तो खा, तो मैं वहाँ ये नहीं कहूँगा भाई मुझे चूल्हे की लाओ। मैं दूध पीता हूँ, वो गायों का ही है, देसी गाय है, साहीवाल है। और देखो जी ये वो रूम है, ये वो कमरा है जहाँ बाबू जी को शील्डों जो मिली हैं वे रखी हुई हैं, और थोड़ी नहीं है, भरी पड़ी है, भरा पड़ा है ये कमरा शील्ड से। ये वो पुरस्कार है बाबू जी को जो आज तक मिले हैं हर जगह, देश में विदेश में। ये देखिए जी, सम्मानों से भरा पड़ा है ये कमरा, धर्म सिंह गुज्जर का, ये इनके द्वारा प्राप्त किए गए वे सम्मान, वे शील्ड, वे प्रशस्ति पत्र, कुछ जो अभी हमने देखे उसके अलावा ये है। वाह जी वाह, ये देखिए जी, ये भी यहाँ देखिए, वाह ये देखिए, ये मलेशिया में जब दौड़े थे 125 साल की उम्र में, ये देखिए जी कमाल कर रखा है जी बाबू जी ने। उस रूम में जा रहे हैं जहाँ इनके शील्ड्स रखी हुई हैं, इनाम रखे हुए हैं, ये देखिए जी कमरा भरा पड़ा है जी। बाबू जी बचपन से ही लग रहे हो जितने हैं, 50 साल की उम्र से जब से रनिंग कर रहे हो। ओ ये तो आंशिक है, आंशिक है, कुछ ही है, ये तो आंशिक है। हाँ
मेरी कहीं रिश्तेदारी में मैं आया। हाँ जी, मैं वहीं छोड़ आया। अच्छा, ऐसा भी हुआ? ऐसे भी मैं, अच्छा मेरे बच्चे हैं। हाँ। मेरा कुछ वहाँ भी है। अच्छा जी, जो मेरठ में भी है। अच्छा, मतलब कहने का ये है। हाँ जी, कि यहाँ तो मैंने ये, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है और जो मैं इनको संभाल के रख सकें, ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से इसको प्रिजर्व कर सकें, केयर कर सकें। देखिए बाबू जी के हर तरह के सम्मानित होते हुए फोटो, मेडल्स, और ये आंशिक है, कुछ हिस्से हैं। हाँ जी, वाह जी, ये बच्चों मेहनत करो। अच्छा, नौजवान से कहता हूँ शक्ति का प्रयोग करो। अच्छा, बुजुर्गों से कहता हूँ हाँ जी कि खटिया पे पढ़ के मत मारो। वाह, अरे कुछ करते रहो ताकि तुम्हें मौत भी आवे तो चलते फिरते आवे। वाह जी वाह, क्या बात कही है। ये बाबू जी की जीवन स्टोरी रही है। ये बाबू जी का घर है जो आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया बाबू जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।